दोस्तों देश के वित्तीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी आगामी 29 नवंबर को दरभंगा आने वाली है। अभी हम लोग राज मैदान दरभंगा में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो कार्यक्रम होगा उसके लिए टेंट वगैरह तैयार कर दिया गया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी आए थे तैयारी हुई थी, उसी तरीके से तैयारी किया जा रहा है। और लगभग बताया जा रहा है 26 बैंकों का यहाँ कार्यक्रम होने वाला और 1500 से ज्यादा लोगों को लोन वितरण किया जाएगा। आजादी के बाद पहली वित्तीय मंत्री होगी जो लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोन का वितरण करने वाली हमारे युवाओं के लिए, हमारे उद्यमियों के लिए। तो देख सकते हैं अभी लगभग टेंट को तैयार कर दिया गया और कार्यक्रम 29 नवंबर को है। तो आप लोग अगर दरभंगा मिथिलांचल बिहार से हैं तो आ सकते हो। 29 नवंबर का कार्यक्रम इनका यहाँ पर है। उसके बाद बताया जा रहा है कि वो मधुबनी जाने वाली, यानी कि जो मिथिला हाट है वहाँ पे भी जाने वाली है, वहाँ भी कार्यक्रम होगा। देखिए जिस तरीके से लोन का वितरण किया जाएगा, इसी बहाने हमारे मिथिला के युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेंगे। यानी यूं कह सके ये बहुत बड़ा एक कदम उठाया जा रहा है। और हमारे सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर लगातार इस मिथिला को अपडेट कर रहे हैं, लगातार मिथिला को ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहा हूं। देख सकते हैं सामने भी बैरिगेटिंग वगैरह सब तैयार कर दिया और सुरक्षा कर्मी जो है रहेंगे, तैनात रहेंगे। और डीएम साहब लगातार इसका निरीक्षण कर रहे हैं और जो हमारे सांसद है और ये दरभंगा के विधायक है वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहां की चीजों को दिखा रहे, बता रहे हैं। देखिए 26 से ज्यादा बैंकों का कार्यक्रम होने वाला है मिथिलांचल के राज मैदान की इस पावन धरती पे। और देखिए अभी से जो बैरिगेटिंग वगैरह वो सब तैयार कर दिया गया, इस तरीके से आप एंट्री करेंगे जैसे सुरक्षा कर्मी के साथ। और लगातार यहाँ जो मेन सामने आप स्पॉट दिख रहा है वहाँ पे उनका स्टेज बनने वाला है। और हेलीपैड का भी अभी तैयारी नहीं किया गया, लगातार हेलीपैड वगैरह भी बनाया जाएगा, उसका भी इंतजाम किया जा रहा है। देखिए पंखे वगैरह आप ऊपर दिखाने की कोशिश करें, लगभग पंखे वगैरह आगे उस तरफ लग चुका है, इधर थोड़ा बहुत बचा हुआ। और तैयारी पूरा जोर शोर से है। अगर आप भी मिथिलांचल बिहार से हैं और इस जो भव्य आयोजन होने वाला है, कार्यक्रम होने वाला है, उसका अगर साक्षी बनना चाहते हैं तो आप लोग भी दरभंगा मिथिलांचल से हैं तो आ सकते हैं। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्रियों में से एक मंत्री होता है वित्तीय मंत्री, वही यहाँ आने वाली है और पहली बार इतना मतलब बड़ा लोन पास करने वाली है। आप सोचिए मिथिला का कितना उद्धार होने वाला है। लगातार हमारा मिथिला ऊंचाइयों को छू रहा है और लगातार हमें एम्स मिल रहा है, मेट्रो मिल रहा है और मतलब बहुत बहुत चीजें मिल रहा है, आईटी पार्क मिल रहा है और बहुत सारा चीजें अपडेट किया जा रहा है। और मिथिला में जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। अभी आप भी अगर मिथिला बिहार से हैं तो 29 तारीख को आइए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश करिए। और जिस तरीके से हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का साहस बढ़ाते हैं, उनके साथ चलते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी हमारे मिथिला के लिए बहुत सारा तोहफा दिए हैं इस नए साल के अवसर पर, एम्स दिए हैं, उसी तरीके से यहाँ बहुत सारा चीजें आज देखने को मिलेगा, अपडेट करने को मिलेगा। और बताया जा रहा है 26 से ज्यादा बैंकों का कार्यक्रम। आप सोचिए बैंक जब जिनके पास मनी रहता है वो उन सब का कार्यक्रम होने वाला, और किस लेवल का कार्यक्रम होने वाला वो आप सोच ही सकते हैं। और लगभग 1500 से ज्यादा लोगों को ऋण देने वाली, यानी कि लोन देने का काम करने वाली, और लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा लोन पास होने वाला है यहाँ से। देखिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अगर आप भी दरभंगा मिथिलांचल से हैं तो आने की कोशिश करिए। बाकी जो भी अपडेट होगा, हेलीपैड होगा, जो भी कुछ बनने वाला आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बनने वाला है। और लगातार हम लोग आपको अपडेट करते रहते हैं। दरभंगा मिथिलांचल बिहार से है तो हमारे वित्तीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का स्वागत करने के लिए 29 नवंबर को 10 बजे आप लोग जरूर पधारिएगा। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए टाइम्स ऑफ दरभंगा। धन्यवाद।